हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया फिर से क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रिडिक्शंस, आज का ही मैच का ये प्रिडिक्शन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो मैच एशिया कप का मैच होने जा रहा है आज शाम में 7:30 बजे, उसका ये प्रिडिक्शन है। और अब मैंने सोचा है कि मैं हर उस मैच का बना कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब इंडियन टीम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल का मैच देखने के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मुझे बहुत निराशा हुई है कि इस तरह से जाके लास्ट ओवर में लास्ट गेंद पे जाके वो हार जाते हैं जानबूझकर। इंडिया पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ था, ये दो कारणों से हो सकता है, या तो टॉप बॉसेस चाहते हैं कि आप मैच हारो क्योंकि हारने वाले को 10 गुना ज़्यादा पैसा दे मिलता है, जो कि गूगल सर्च में अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे 20-25 पेज सर्च करेंगे कहीं ना कहीं आपको पेज में मिल जाएगा, और नहीं तो ये टीम का अपना अंदरूनी है ना टीम मेंबर के बीच में, जैसा कि आप लोगों को पता है 83 से जब से वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, कपिल देव को हटाने की साजिश हुई कप्तान वाले पोस्ट से, उसके बाद फिर धोनी को साजिश हुई, उसके बीच में बहुत सारे कैप्टन बनते चले गए, और हमेशा इंडियन टीम में पॉलिटिक्स लगा रहता है। और इसके बावजूद भी इतना शर्मनाक मैच कल हुआ कि 12 ओवर तक हम इंडियन श्रीलंकन टीम को एक भी लोगों को आउट नहीं कर पाए, इसका मतलब हमारे देश में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। आज भी मुझे याद आता है कि हम लोग जब उस वक्त मैच खेलते थे, इंडिया के साथ खेलते थे, मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, क्या हमारे इंडियन टीम के सिलेक्टर को, हमारे ऑर्गेनाइजर को इतना पता नहीं है कि हम वासिम अकरम जी जैसा इंडिया में एक से एक टैलेंट भरा हुआ है, हम इंडिया से ले सकते हैं, वकार यूनिस जैसा, कोटनी वॉल्स जैसा, वेलकम मार्शल जैसा एक से एक फास्ट बॉलर हमारे हिंदुस्तान में है, उससे भी फास्ट बॉलिंग करने वाला है, उनको हम टीम में जगह क्यों नहीं देते हैं? क्या बैट्समैन के भरोसे खाली आप मैच जीतिएगा? इसका मतलब है कि आप लोग खाली साजिश कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको देश से क्या, देश का कुछ नहीं पड़ा है, ना देश की जनता का कुछ लेना देना आपको, आपको किसी के इमोशंस और फीलिंग्स नहीं, आपको सिर्फ पैसा कमाना है और आपको आगे बढ़ना है बस, और आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि कल का मैच या तो टॉप बॉसेस ने फिर कहा हारने के लिए, और नहीं तो टीम का ही किसी मेंबर के द्वारा, क्योंकि इंडियन टीम में शुरू से ही इंडियन टीम तीन भागों में बटी हुई है, एक बॉलर का टीम है, एक बैट्समैन का टीम, ग्रुप है, टीम नहीं है, ग्रुप बोलते हैं जो अपने लिए खाली अपने फायदे के लिए काम करता है, और तीसरा कोच का अपना ग्रुप होता है। शुरू से 83 से मैं देख रहा हूँ तमाशा, उस वक्त सुनते थे हम लोग रेडियो पे, बाद में 84 में टेलीविजन आया इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद, उसके बाद से फिर तो हम लोग टीवी पे ही देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, बाद में कलर टीवी हो गया, और तब से ये नौटंकी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंडिया टीम सिर्फ भाग्य के भरोसे जीतती है, टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और कल जिस तरह से श्रीलंका टीम के लोग आउट नहीं कर पाई 12 ओवर तक, सेम ऑन मी, सेम ऑन अस, एक्चुअली हम सारे इंडियंस के लिए बहुत शर्मनाक है कि हमारी टीम इतना कमजोर है कि श्रीलंका जैसे टीम को हम आउट नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान टीम रहती, ऑस्ट्रेलिया का रहता, इंग्लैंड का रहता, तो मैं समझ सकता था। आज मैंने फिर से रात को मैं अपलोड करूंगा इंडिया अफगानिस्तान कल का मैच का, अगर कल फिर से इंडिया हारती अफगानिस्तान का मैच तो इसके पीछे साजिश है, और उस साजिश को मैं आपको बताऊंगा जब फाइनल मैच का वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि ये कौन टीम मेंबर है, किसके खिलाफ साजिश की जा रही है, या टॉप बॉसेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ डाउट है, मैं कंफर्म नहीं हूं, 50% अभी कंफर्म हूं, 50% नहीं हूं, लेकिन कल अगर इंडिया जीत जाती है अफगानिस्तान के साथ तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरा डाउट बेकार था, वो फिर टॉप बॉसेस के द्वारा ही किया गया था, लेकिन मेरा 7th प्रेडिक्शन भी सही हुआ, क्योंकि जीते हुए गेम को हारने को प्रेडिक्शन फेल होना नहीं बोलते हैं। अब चलिए बताते हैं, है ना, अपने क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, अफगानिस्तान तो उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन नंबर गेम जो कि बहुत मैटर करता है, और आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को बताऊंगा नंबर गेम कैसे काम करता है। उससे पहले जो लोग पहली बार आए हैं इस वीडियो पर, एज अ डिक्लेरेशन और डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोई भी इस वीडियो को देख के, है ना, क्रिकेट न्यूमोलॉजी प्रेडिक्शन देख के, कोई सट्टाबाजी करता है, जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है, और उसका जो भी नुकसान फायदा होता है वो खुद के लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए मैं किसी कीमत पे जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जो है एंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहा हूँ और नॉलेज पर्पज से बना रहा हूँ, जिसको सीखना है, मैं सिखाने के उद्देश्य से बना रहा हूँ, जुआ खेलने के लिए नहीं, किस पर जुआ खेलना शुरू कर दे, है ना, तो वो आपका खुद का हेडेक है, आप खुद संभालिए। अब मुझे मैसेज करना बंद करिए, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं आप लोग सबको ब्लॉक कर दूंगा मैं, अभी जो सिर्फ चैट ही डिलीट कर रहा हूँ, बाद में ब्लॉक भी कर दूंगा, इसलिए मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं 6 रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस जो पहली बार आए हैं। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान, गुप्त विज्ञान क्या होता है, जो न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव एनर्जी को अपने ऑब्जर्व करके अपने अनुकूल बनाना, अपने भाग्य को चमकाना, दूसरे के भाग्य को चमकाना, दैट इज ऑकल्ट साइंस, है ना। तो वो कौन करता है, अगर साइंस की जगह नॉलेज देंगे तो ऑकल्ट मतलब गुप्त विज्ञान ज्ञान हो जाएगा, ठीक है।
पहला, जो भी वीडियो किसी का भी आप देखते हो पूरे वर्ल्ड में, तो समझ लो लॉजिक है तो मैजिक है, मतलब अगर आपको मैंने कंफ्यूज नहीं किया तो वो लॉजिक है, लॉजिक है तो मैजिक है, वेरी सिंपल। हम न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, गॉड मैजिशियन नहीं है, गॉड मतलब भगवान, मैजिशियन जादूगर। हम एक डॉक्टर की तरह, जिस तरह से डॉक्टर के पास आप बीमारी के इलाज के लिए जाते हो, इलाज के हिसाब से इंजेक्शन दिया जाता है, सिरप दिया जाता है, टैबलेट दिया, इसी तरह से हम करते हैं। हमारा प्रिडिक्शन 80-20 सही होता है हमेशा, 80% सही हो सकता है, 20% एरर हो सकता है। कल का मैच को आप बोल सकते हो 20% एरर इसलिए इंडिया हार गई, उसके पहले वाला मैच भी बोल सकते हो 20% एरर इसलिए हार गई, लेकिन वहां पे कुछ और बात है, वो प्रिडिक्शन एकदम सही था, है ना। इस तरह से 6 बॉल पे 6 रन वाला मैच को बाद में 5 बॉल तक खींचा जाता है, इसको हारना नहीं कहते हैं। मेडिसिन शॉप, जितना भी न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए दवाइयों की तरह है, जो कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। उसी तरह से बिना न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के बिना आप इस तरह का कोई काम नहीं करिएगा, अपना नाम चेंज करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो पूरा भाग्य करप्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। ऑकल्ट साइंस का रूल है, गुप्त विज्ञान का रूल है कि आप कोई भी कोर्स किसी को करवाते हैं पूरा ज्ञान दीजिए। ऑकल्ट साइंस इतना बृहद है, उसका आधा ज्ञान लेकर के किसी को आप देते हैं सर्टिफिकेट, 1 महीना का सर्टिफिकेट जैसे आजकल लोग कर रहे हैं 999 रुपया में, कोई 595 रुपया में, तो कुछ उस तरह का सर्टिफिकेट डिप्लोमा मैं नहीं दूंगा। मैं जब भी दूंगा अगर किसी कोर्स करना है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूमोलॉजी फुल नॉलेज, क्योंकि ना मैं आपका भाग्य आपको बर्बाद होने दूंगा और ना किसी दूसरे को आपको बर्बाद करने दूंगा, इसलिए फुल नॉलेज दूंगा मैं आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईमानदार ऑकल्ट मास्टर आप कहाँ से ढूंढोगे या कैसे ढूंढोगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईमानदार लोगों की अकाल पड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। 80% लोग बेईमान हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, सब फील्ड में सिर्फ 20% लोग ईमानदार हैं, ज्ञानी हैं, और वो इतने महंगे हैं कि उनको पहुंच तक नहीं है। इसलिए मैंने अपना और आचार्य जी का नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे कुंडली बनवा लो, जान लो भाग्य पहले, बुरे वक्त आने का इंतजार नहीं करो, अच्छे वक्त में सब कुछ चेंज करा कर रखो, सो दैट कि बुरा वक्त आए ही ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूमोलॉजी। इसीलिए न्यूमोलॉजी करानी है, एस्ट्रोलॉजी करानी है। एक बार जान लो कि कौन सा ग्रह बलवान है, मान लो नहीं भी है तो उपाय करोगे, उपाय करके बलवान बनाओगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन एक बार जान जाओगे किस डायरेक्शन में जाना है, तो अपना टैलेंट को उस डायरेक्शन में यूज करोगे तो 100% सफलता मिलेगा। बस इस बात को ध्यान रखना, पूरे घर का करो, सबका, हस्बैंड वाइफ बेबी बच्चा सबका, सो दैट सबका वाइब्रेट करे नंबर, सब लोग आगे मिलकर आगे बढ़ो, एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ो जिंदगी में और 100% सफलता पाओ। अब चलो आपको बताते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच, है ना। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए मैच हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कोई भी अब हारेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा उनको, है ना। इंडिया के लिए खैर बहुत खराब माहौल है, कल वो अफगानिस्तान के साथ मैच है, अगर कल इंडिया हार जाती है तो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होगा, और जीतती है तो फिर पाकिस्तान के साथ हो सकता है कि फाइनल में भिड़ंत हो, है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो इनको हराएगा ही हराएगा जैसे लग रहा है अभी तक। देखते हैं कल के, देखते हैं मैच ईयर 2020 इनके लिए सबके लिए कॉमन है, मैच लोकेशन कॉमन है। अब इसको ना कंपेरिजन करके देखते हैं कैसे ये कंपेरिजन होता है। तो पाकिस्तान का नंबर 7 है, तो कंट्रीज से कंपेरिजन होता है एक्चुअली, तो 7 का 6 नंबर एक्सलेंट नंबर, फ्रेंडली नंबर, 5 नंबर न्यूट्रल नंबर, ठीक है। 7 का ये बाबर आजम जी, इनका कैप्टन जो है, इनका 6 नंबर ड्राइवर नंबर, 3 नंबर कंडक्टर नंबर, तो 6 नंबर जो है एक्सलेंट है, 3 नंबर न्यूट्रल है, और 1-7 जो है एकदम दुश्मन नंबर, तो इसको कट करते हैं, कट नंबर हो गया। ये बिल्कुल न्यूमोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में 1-7 को बहुत अच्छा माना जाता है, हम न्यूमोलॉजी करते हैं इसलिए न्यूमोलॉजी से बताएंगे। अब ये 7 नंबर 4 नंबर एक्सेलेंट नंबर, राहु देव केतु देव है ना, दोनों धड़ और सर हैं तो नेचुरली एक्सेलेंट नंबर। जर्सी नंबर इसमें नहीं लेंगे लेकिन जर्सी नंबर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों का किसी जान पहचान का दोस्त है तो उनको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पाकिस्तान के प्लेयर को बोला जा सकता है, 6-7-8 सब पहन सकते हैं, और अफगानिस्तान के प्लेयर को 1-2-3-5-9 पहन सकते हैं। अब जो है ये निकला है मैच डेट, कल आज 7 तारीख आज है ना, 7th को है आज एक्चुअली, आज तो 7th जो है ये 7th एकदम सुपर डुपर एकदम एक्सेलेंट नंबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है 7-7-0 हो जाता है तो इसको न्यूट्रल ही बोलिए, एक्सेलेंट नहीं बोल सकते आप, दिक्कत ये है ना, इसको न्यूट्रल बोलिए आप। 4-7 फिर से 7-4 बढ़िया नंबर है, 7-7-0 हो जाता है लेकिन 7-4 एक दूसरे को बहुत ये करता है। और वेंसडे 5 नंबर फिर से न्यूट्रल नंबर हो गया, वेंसडे मरकरी का नंबर है, बुधदेव का नंबर है, बहुत ब्रिलियंट शॉट खेलेगा खिलाड़ी सब जो भी है ना,
कल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पहले बैटिंग, मतलब जो भी टॉस जीते पहले बैटिंग करेगा तो बहुत अच्छा रन बनाएगा। कल हो सकता है अगर पाकिस्तान कल बैटिंग की तो पाकिस्तान कल 200 रन तक बना सकती है, पहुंच सकती है। ऐसा कल का फर्स्ट हाफ इनके लिए बहुत लकी होगा, ताकि कल का नहीं आज का, मैं बार बार भूल जाता हूँ, कल कल तो इंडिया के साथ मैच है, आज का ही, आज 7th है और पाकिस्तान का नंबर भी 7th है, ये पूरा हेल्प करेगा। 7-7 भले 0 हो जाता हो लेकिन एक दूसरे को तारीख वाइज जरूर हेल्प करेगा। अब चलते हैं अफगानिस्तान का, देखते हैं। एक नंबर है, एक नंबर का 6 नंबर कट नंबर, मतलब बिल्कुल दुश्मन नंबर होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एक का 5 नंबर एक्सेलेंट होता है, बहुत अच्छा फेवरेबल होता है, बहुत फेवर करता है, भले न्यूट्रल होता है लेकिन ऐसे बहुत फेवर करता है, बहुत जबरदस्त। और एक इनका कैप्टन का नंबर जबरदस्त है, देखिए एक और एक न्यूट्रल एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे से न्यूट्रल ले सकते हैं या अच्छा भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा न्यूट्रल मानते हैं। 7-1-7 बिल्कुल नहीं जमता है, कट हो जाएगा, लेकिन एक और एक फिर न्यूट्रल ले लीजिए, ये अच्छा मान सकते हैं, है ना। 1-8 बिल्कुल नहीं जमेगा, इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ पे जर्सी नंबर को हम नहीं लेंगे, वेरी सिंपल। अब चलते हैं हम 7 नंबर, और 1-7 का ये फिर से नहीं जमेगा, कट हो गया, और 1-4 फिर से दुश्मन नंबर हो गया, ये भी कट हो गया। तो अब वेंसडे 5 ये एक्सलेंट नंबर इनका है, फ्रेंडली फेवरेबल। अब देखना है मुझे दोनों तरफ कितना कट हुआ, कितना न्यूट्रल हुआ, कितना एक्सलेंट हुआ। तो पाकिस्तान का देखते हैं पहले एक्सलेंट कितना है, 1 एक्सलेंट है इनके पास, 2 एक्सलेंट है, 3 एक्सलेंट है, 4 एक्सलेंट है इनके पास, तो पाकिस्तान के पास एक्सलेंट 4 हुआ। अब न्यूट्रल देखते हैं पाकिस्तान के पास कितना है, 1, 2, 3 और 4, 4 न्यूट्रल मैंने एक्सलेंट 4 न्यूट्रल 4, पाकिस्तान के पास एक भी कट नंबर नहीं है, मतलब कहीं भी कट का मतलब होता है लॉसेस नहीं है। न्यूट्रल आपको ना बेनिफिट पहुंचाता है ना आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो कट हो जाता है वो एकदम लॉस पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इसलिए 1 नंबर का 6 नंबर एकदम दुश्मन नंबर माना जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इनके पास कितना एक्सीलेंट है, तो 1 एक्सीलेंट इनके पास है, दूसरा एक्सीलेंट नंबर ये, दूसरा एक्सीलेंट, 2 एक्सीलेंट है इनके, अफगानिस्तान के पास 2 एक्सीलेंट है। और न्यूट्रल नंबर कितना है इनके पास, एक बार देख ले भाई, इनके पास न्यूट्रल 1, 2 और 2 न्यूट्रल नंबर है। और इनके पास कट कितना है, 1 कट है 2 कट है इनके पास, 3 कट है 4 5 कट है इनके पास, 5 कट है। तो इसी से पता चलता है, क्लियर कट आप देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान का जीतने का बहुत फेवरेबल चांस है, लेकिन प्रोवाइडेड ये नंबर भले ही कट और ये एक्सेलेंट और न्यूट्रल आ रहा हो, लेकिन कल जो है पाकिस्तान को इसी बेस पे, जो कि एक्सेलेंट और न्यूट्रल बेस पे, कल पहले बैटिंग अगर वो टॉस जीतते हैं या वो लोग भी टॉस, अगर अफगानिस्तान टॉस जीतता है उनको बैटिंग देता है, जरूर बैटिंग करनी चाहिए। कल उनका फर्स्ट 10 ओवर्स पाकिस्तान बहुत जबरदस्त रन बनाएगा, और 2 घंटे तक उनका जबरदस्त है, हो सकता है कल पाक, जैसा कि मैंने कहा कि 150 से 200 रन तक बनने का संभावना है, हो सकता है बहुत कम विकेट गिरे। और दूसरे हाफ में जो है जो जो भी बैटिंग करेगा वो भी रन जो है फर्स्ट ओवर में स्लो, मतलब फर्स्ट 10 ओवर स्लो रहेगा, बाद में वो फिर जबरदस्त रन बनेगा। अब फिर इनका जो फैसला है, भले कट पॉइंट है लेकिन चूंकि कल, बार बार मैं कल बोल रहा हूँ, आज एक्चुअली टू बी वेरी फ्रेंक, आज जो है आज 7th है, तो आज लास्ट ओवर में या उसके सेकेंड लास्ट ओवर में जाके इनका भी बहुत टफ मैच होगा, टू बी वेरी फ्रेंक। हाँ, ये अगर अलग बात है कि पाकिस्तान ने 200 से ऊपर रन बना दिया तब इनको चेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इनका 1 ही घंटे का जो टाइम है इनके नंबर के हिसाब से, 1 नंबर के हिसाब से जो इन दोनों का लूसो ग्रिड और न्यूमोलॉजी ग्रिड बनता है, 1 घंटे में जो रन बनेगा इनका 10 ओवर में जो बनेगा, उसके बाद इतना स्लो हो जाएगा कि फिर विकेट भी गिरना शुरू हो जाएगा और रन भी बनना कम हो जाएगा। इसलिए अगर पाकिस्तान 200 रन टच कर देता है या 175 से ऊपर चला जाता है तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो न्यूमोलॉजी प्रिडिक्शन के हिसाब से जो मैंने कट करके बताया है, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान का आज मैच जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। अब कल फिर इंडिया अफगानिस्तान का मैच है, फिर देखते हैं कल क्या होता है, कल फिर पता चल जाएगा। अगर इंडिया अफगानिस्तान से हार जाती है उसी तरह से लास्ट ओवर में जाके, चौथा पांचवा छठा बॉल में या किसी भी ओवर में, एक आध ओवर पीछे आगे पीछे भी, तो समझ में आ जाएगा, जितना वो मैच अगर हार जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, या तो टॉप बॉसेस के द्वारा या तो टीम मेंबर के द्वारा, जो कि मैं आपको फाइनल वीडियो में बताऊंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए सबके साथ। आज ही मैच है, आज मैं शाम को इसको अपलोड कर दूंगा, और इंडिया और अफगानिस्तान वाला रात को मैं करूंगा अपलोड। आप लोगों को मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे का शुभ मुहूर्त है, उस वक्त अपलोड करूंगा। आप लोगों को दोनों वीडियो आज ही देखने को मिल जाएगा। ओके देन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिंग।